मोदी सरकार के राज में जनता पर दोहरी महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो आसमान छू ही रही हैं कि अब सीएनजी को भी महंगा कर दिया गया है। दिल्ली में सीएनजी के दाम 1.36 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा दिए गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कहा है कि प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। सीएनजी के दाम बढ़ने से साफ है कि जनता को कहीं से भी राहत नहीं है। कर्नाटक में चुनाव क्या खत्म हुए कि सरकार ने जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया। आज 15 दिन बीत चुके हैं लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 16 पैसे बढ़कर 78.43 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गई, जबकि मुंबई में ये आंकड़ा 86 के पार है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो जनता का तेल निकाल ही रही है कि अब सीएनजी के बढ़े दामों ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली में सीएनजी 41.57 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 1.55 रुपए की वृद्धि के साथ 48.60 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इस बढ़ोतरी पर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कहा कि रुपए में गिरावट और प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से कच्चे माल की लागत बढ़ी है, जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा है। वहीं सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि पहले उन्होंने 15 दिन तक लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर आम आदमी की जेब पर चपत लगाने का काम किया। अब दिल्ली में सीएनजी पीएनजी की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। आम लोगों की गढ़ी कमाई को बर्बाद करना बीजेपी का एकमात्र एजेंडा है। प्रिय मोदी जी, अब बहुत हो चुका। डीबी लाइव की रिपोर्ट।